बोतल है, ग्रांड ट्रिपल वुड की 107 है, जैक डेनियल की 24 है और टेकिला की 12 बोतल है। टेकिला आप अभी हम इसका अपना हेड ऑफिस में केस बना के भेज रहे हैं, ब्रीच केस, कमिश्नर एक्साइज इस पे एक्शन लेंगे। क्या पेनल्टी लगाते हैं, लाइसेंस कैंसिल सस्पेंड करते, वो उनके क्या लगता है कि और ठेकों पर भी जो है? हाँ डेफिनेटली, अगर जहाँ से भी शिकायत आएगी हम पूरी तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट मुस्तैद है, टीमें बना रखी है और आज भी चेकिंग कर रही है, कल भी कर रहे थे, इस तरह से तो लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ जहाँ पे क्या मानते हैं कि लोग जो महंगी दारू पीते हैं ये खतरे से खाली नहीं? डेफिनेटली अगर इस तरह से हो रहा है तो गलत है, लेकिन हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जल्दी और भी इस तरह के कोई पॉइंट्स हैं, चाहे वो बैंड प्रीमिसेस हो या बाहर, इनको हम जल्दी ट्रैक करके ट्रेस आउट करें। आपने कार्रवाई की है, क्या रूटीन चेकिंग नहीं करती? नहीं, रूटीन चेकिंग भी हो रही है। तो आपको क्यों नहीं? इस तरह के ब्रीच केस हम भेजते रहते हैं हेड ऑफिस, जब भी कोई इस तरह की कोई शिकायत आती है हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। सबसे पहले आप बताइए, ये तो एक रिकॉर्ड की बात है कि आप डिपार्टमेंट से ऑफिस से ले सकते हैं कितने ब्रीच केसेज हमने भेज रखे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कहना है हम ठीक नहीं समझ रहे। जो लेवल पेंट होके मिल रहा है वो तो इस तरह से कोई तस्करी नहीं, ये एक जांच का विषय है कि इसमें कितनी इलीगलिटी है या नहीं है, वो सारा अभी चेक करके क्या कर। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो अभी तो जितनी भी डिटेक्शन हुई है उसको हम एक केस बना के पंचकुला हेड ऑफिस भेज रहे हैं कमिश्नर एक्साइज के पास, और डेफिनेटली वो एक्शन होगा इनके खिलाफ, लाइसेंसी के खिलाफ। तो ठेके से नहीं, नहीं ठेके से नहीं लिया गया, इसी से रिलेटेड एक कोई केस दर्ज हुआ है, जैसे अभी क्राइम ब्रांच ने बताया उसमें दो लोगों को पहले ही कस्टडी में ले रखा है। मैंने अभी आपको बताया कि FIR नंबर 243 पीएस कोतवाली के संबंध में हम ये निरंतरता में ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट की सहायता ली जा रही है, उनको इस तफ्तीश में शामिल करके और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या थी FIR पे, क्या शिकायत थी, क्या बरामद किया है? उसमें महंगे ब्रांड जो थे उनमें नकली बोटलिंग की जा रही थी। ये बात आप समझिए कि ओशियन ब्लू, रॉयल स्टैग और जो छोटे ब्रांड है उनको रॉयल एब्सोल्यूट और गोल्ड लेवल, ब्लैक ब्लू लेवल, शिवास रिगल, इस तरह की शराब बनाई जा रही थी छोटे ब्रांड। कितनी दारू पकड़ी गई है आज? अभी तक आपको एक्साइज डिपार्टमेंट के जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं साथ ही, उन्होंने आपको अभी इसकी डिटेल दी है। अंदाजा क्या वो रिपोर्ट है मेरे भाई, आपको बताया? देखिए वो अभी मेरे पास इंस्पेक्टर साहब का अभी स्पोर्ट मेमो नहीं आया, जैसे स्पोर्ट मेमो आएगा उन्होंने निरीक्षण, उनके निरीक्षण पे जो हमें अतीत में अवैध शराब मिली है उनके निरीक्षण में कार्रवाई तो बता दीजिए, क्या कर रहे हैं जांच कर रहे हैं इस मामले।